हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष क्रिएटिव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 18650 बैटरी का बैटरी होल्डर बनाएंगे। ये बैटरी होल्डर थोड़ा बाकी बैटरी होल्डर से अलग भी है क्योंकि इसमें एक बैटरी लेवल इंडिकेटर भी है और एक स्विच आप देख सकते हैं, इसमें ग्रीन LED हो गया है, यानी कि ये बैटरी फुल चार्ज है। और ये स्विच आपका आउटपुट कनेक्शन को रोकने के लिए और बैटरी लेवल इंडिकेटर को ऑफ करने के लिए है। तो दोस्तों, वीडियो को कम्प्लीट वॉच करिएगा और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं इसके मेकिंग पर।
तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं, वहाँ ये बैटरी होल्डर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब इसको चेक करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे मैं पहले दो बैटरी लूँगा, इनमें से एक बैटरी फुल चार्ज है और एक बैटरी डिस्चार्ज है। सो दोस्तों सबसे पहले हमको इस बैटरी होल्डर में कुछ इस तरह से बैटरी को लगाना है और उसके बाद ये स्विच को ऑन कर देंगे। दोस्तों ये देखिए, ये बैटरी हमारा फुल चार्ज है और दोस्तों ये आउटपुट का कनेक्शन है, इसका मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। आपको देखिए, मैं आपको ये नीली वाली बैटरी चेक करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये वाली बैटरी में रेड LED इंडिकेट कर रही है बैटरी डिस्चार्ज है, और दोस्तों इसमें ग्रीन LED यानी ये बैटरी फुल चार्ज है। अब मैं आपको इसका आउटपुट चेक करके दिखाता हूँ। सो दोस्तों आउटपुट चेक करने के लिए मैं यहाँ पे मल्टीमीटर लेता हूँ और मल्टीमीटर को मैं 20 वोल्ट पर मैं सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और अब इसके ब्लैक प्रॉब को नेगेटिव में और रेड प्रॉब को पॉजिटिव में मैं कनेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों 2.47 वोल्ट दिखाया है, यानी ये बैटरी हमारा डिस्चार्ज है। अब मैं आपको इस बैटरी से मैं दोस्तों ये देखिए, मैंने इस रेड बैटरी को इसमें लगाया तो ये देखिए ग्रीन LED शो कर रहा है। अब दिखाता हूँ इसमें वोल्टेज कितना है। सॉरी, सो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं बैटरी 4 वोल्ट है, यानी कि बैटरी फुल चार्ज्ड है। तो ये देखिए दोस्तों, ये ग्रीन LED शो कर रहा है। सो दोस्तों ये बैटरी होल्डर आपके बहुत ही काम का है, आप भी इसे इजीली जिस तरीके से मैंने बनाया है उसी तरीके से बना सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अमेजिंग नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।